आदि शंकराचार्य जयंती के शुभ अवसर पर श्रुति सागर आश्रम की प्रमुख आचार्य माताजी स्वामी स्थित प्रज्ञानंद सरस्वती जी का शुभ संदेश। आज वैशाख शुद्ध पंचमी भगवत पूज्यपाद आदि शंकराचार्य जी का अवतीर्ण दिन। सन 2011 साल से श्रुति सागर आश्रम अनेक शहरों में यह जयंती उत्सव मनाते आ रहा है, परंतु इस वर्ष कोरोना के महासंकट के कारण यह उत्सव हम सामूहिक स्तर पर नहीं मना रहे हैं। यह पर्व घर घर में मनाया जाए इतनी इस दिन की गरिमा है, क्योंकि इसी दिन अवतीर्ण होकर ईश्वर की इस महान विभूति ने अपना अल्प आयु का संपूर्ण जीवन मानवता के लिए समर्पित किया था। आज पूरा विश्व एक संसर्गजन्य महामारी का सामना कर रहा है, इसलिए हमें सामाजिक दूरी बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। आज तक इस संसार में अनेक संकट महासंकट युगों से आते रहे हैं। शास्त्रों में पुराणों में ऐसी अनेक कथाएं भी आती है। इस समय इन सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए हम सबको एक दूसरे की सहायता आवश्यक है, साधन सामग्री आवश्यक है, मानवता के सच्चे सेवकों की आवश्यकता है, इन सबसे अधिक आवश्यकता है एक सच्चे हृदय की। ऐसी विपत्तिजनक स्थिति में हर एक व्यक्ति भयग्रस्त एवं चिंताग्रस्त है, इसलिए व्यवहार करते समय हमारे मन में अगर स्वार्थ हो, उद्विग्नता हो, अहंकार अभिमान हो, मैं और मेरा ऐसा संकुचित भाव हो, लोभ मत्सर आदि विकृत गुण हो, तो इसका भयंकर परिणाम एक दूसरे पर हो सकता है। ऐसे विकार मानवता को नष्ट कर देते हैं। इसलिए आज आवश्यकता है कि दूसरों के लिए अपने सुख का त्याग करने की, सेवा समर्पण और निस्वार्थ प्रेम की, हर प्रकार के कष्ट सहने की क्षमता, तत्परता, धीरता, सहिष्णुता और आने वाली किसी भी परिस्थिति का शांति तथा संतोष के साथ सामना करने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। यह सब शिक्षा तो हमें हमारे वेदों से पुराणों से मिलती है। हमारे महान संतों का जीवन इन सब का प्रत्यक्ष उदाहरण है। जब जब हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, राष्ट्र में अथवा पूरे विश्व में ही क्यों न हो, इस प्रकार की कोई विपत्ति आती है तो उसका सामना करने के लिए हमें विचार और ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान इसका अर्थ केवल शाब्दिक तत्व ज्ञान नहीं, ज्ञान इसका अर्थ है धर्म का यथार्थ ज्ञान। आचार धर्म, नीति नियम, इन सभी का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि इन सभी गुणों पर ही सारे विश्व की नींव रखी हुई है। यह सब ज्ञान हमारे वेदों में, पुराणों में हमें धरोहर के रूप में प्राप्त हुआ है। इसी अलौकिक ज्ञान का प्रचार और प्रसार करने के लिए भगवान स्वयं वशिष्ठ व्यासादि मुनियों के रूप में बार बार अवतीर्ण होकर हमें यह शास्त्र ज्ञान सुलभ करा देते हैं। उसी प्रकार इस कलियुग में कुछ वर्ष पहले प्रत्यक्ष भगवान शिवजी आदि शंकराचार्य जी के रूप में अवतीर्ण हुए, जिनको भगवान का ज्ञानावतार कहा जाता है। जब हमारे पूरे समाज को नास्तिकवाद, भौतिकवाद की महामारी ने ग्रस लिया था, ऐसे समय में ही आचार्य शंकर अवतीर्ण हुए। बाल्यकाल से ही उनके अवतार कार्य का प्रारंभ हुआ था। उन्होंने इस ज्ञान के प्रचार के लिए अद्भुत और विशाल अक्षर वांग्मय का निर्माण किया, जिसका अध्ययन करने के लिए हमारा एक जन्म भी पर्याप्त नहीं है। अपने इस कार्य के द्वारा वेदों के ज्ञान को उन्होंने घर घर तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया। मनुष्य मनुष्य में सभी ऊंच नीच भेदों को मिटाकर सही धर्म की शिक्षा दी। हर एक प्राणी मात्र में एक ही ईश्वर तत्व सन्निहित है तथा उनकी सेवा ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है, यह वेदों का सिद्धांत अखिल विश्व के सामने उन्होंने रखा। इतना ही नहीं, आचार्य शंकर ने बुद्धिजीवी लोगों के लिए तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, साधकों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की अनेक साधनाएं दी, भक्तों के लिए अनेक सुंदर स्तोत्रों की रचना की। इस प्रकार उन्होंने सभी मनुष्यों के लिए सनातन धर्म का मार्ग प्रशस्त करके तथा भारत वर्ष की धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रकार से रक्षा हेतु चार दिशाओं में चार धर्म पीठों का निर्माण किया। उनके द्वारा धर्म और ज्ञान का प्रचार प्रसार हो ऐसी व्यवस्था बनाई।
आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म यह केवल एक विशिष्ट मनुष्य जाति के लिए नहीं है, अपितु यह संपूर्ण मनुष्य जाति के उत्थान तथा निश्रेयस कल्याण के लिए है। इसलिए आज के सभी धर्म, सभी संप्रदाय, पंथ, जाति तथा सभी मनुष्य इसमें समा जाते हैं। यह वेदोक्त सनातन हिंदू धर्म संकुचित दृष्टि नहीं रखता। हमारे वेदों ने, ऋषि मुनियों ने, रामायण महाभारत जैसे इतिहास ग्रंथों द्वारा हमारे ऊपर सदा ही सदाचार, सहिष्णुता और मानवता के संस्कार किए हैं। अत्यंत निकृष्ट अवस्था से ऊपर उठकर मनुष्य परमोच्च अवस्था तक कैसे पहुँचे, निरतिशय शांति हमें कैसी प्राप्त हो, इसका ज्ञान हमें दिया गया है तथा मनुष्य की आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि का भी इसमें ध्यान रखा गया है। भौतिक समृद्धि का अर्थ केवल धन की वृद्धि नहीं, आज पूरा विश्व समझ रहा है, हर एक प्रगतिशील राष्ट्र भी समझ रहा है कि केवल धन, ऐश्वर्य, केवल सत्ता, यश, प्रतिष्ठा, विपुल साधन सामग्री मनुष्य को सुखपूर्ण जीवन नहीं दे सकती। इन सबको अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। मनुष्य को अगर शांतिपूर्ण और सुखपूर्ण जीवन जीना है तो उसको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य नितांत आवश्यक है। यह दूर दृष्टि रखकर हमारे वेद सभी मानवों के लिए प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवे। सभी लोग सुखी हो, सभी आरोग्य संपन्न हो, सभी लोग अच्छा देखे, नीतिपूर्ण विचार करे, इस जगत में कोई भी प्राणी दुखी न हो। कितनी विशालता है इस प्रार्थना में। आज के इस दिन हम सभी मिलके विश्व में जो जो व्यक्ति इस संकट का सामना कर रहा है उसे शीघ्र से शीघ्र स्वास्थ्य मिले, फिर एक बार संपूर्ण विश्व आनंद से जगमगाए। इस संकट से मानव सदाचार की शिक्षा ले, विश्व में सदाचार, धर्म और ज्ञान के दीपों की रोशनी आए। यही प्रार्थना हम सर्वांतर्यामी ईश्वर से करते हैं। पिछले 10 वर्षों से हम यह उत्सव मनाते आ रहे हैं। इस वर्ष साधक यह उत्सव अपने अपने घर में ही मनाए, ऐसी इच्छा करती हूँ। आज के इस पवित्र दिन में आदि शंकराचार्य के महान जीवन चरित्र का और उनके विचारों का हम सब श्रद्धा भक्ति पूर्वक स्मरण और चिंतन करते हैं। उनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर सबके कल्याण तथा आरोग्य के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम तत्सत।